अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले। नमस्कार, एसएम न्यूज में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ बहुजन समाज के बहुत चर्चित चेहरे हैं शांति स्वरूप बौद्ध जी। शांति स्वरूप बौद्ध जी, पहले तो आपका हमारे चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। आप बहुजन समाज के एक बहुत अच्छे चिंतक हैं और बहुजन समाज की बात को हमेशा बहुत बढ़ चढ़कर बोलते हैं, तो मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन करूंगा। जो बसपा है, जो बहुजन समाज की एक पार्टी है बसपा, जो बसपा के अंदर सुप्रीमो हो वो हैं बहन कुमारी मायावती, लेकिन आजकल का यूथ या आजकल के लोग बोलते हैं कि बहन जी की जो सोच है, बहन जी का जो आंदोलन करने का तरीका है या बहन जी जिस तरीके से नेतृत्व करती हैं पार्टी का, वो पुराना हो गया है और वो सिस्टम पे उस आधार पे काम नहीं होना चाहिए। ये कहाँ तक आप इस बात से सहमत हैं वो बताएं। नहीं, ऐसा जो बातें लोग कर रहे हैं मैं उनसे तो सहमत इसलिए नहीं हूँ जी कि मायावती जी को तो फिलहाल छोड़ दीजिए जी। आप मौर्य साम्राज्य में आइए जी, जो दुनिया का सबसे सफल साम्राज्य था जी, वो नहीं रहा जी। वो कारण क्या था कि वो सच्चरित्रवान थे, सब पराक्रमी थे जी, चरित्रवान थे, शील सदाचार उनके जीवन का आधार था। वो छल कपट जानते नहीं थे, उनकी जान को उनका अच्छा होना ही उनके लिए दिक्कत हो गया जी। तो इन लोगों ने जो उतने खरे नहीं थे, उतने सफल नहीं थे, उतने चरित्रवान नहीं थे, तो इसलिए वो पिछड़ते चले गए और उन्होंने सोचा कि अब इनको हम डंडे के बल पर ठिकाने लगाएंगे और लगाया उन्होंने। तो आज भी जो बहन मायावती है, बहुत दिनों तक हमने साथ साथ काम किया है। भारतीय बौद्ध महासभा के बहुत सारे मंचों पर हम साथ साथ बोले हैं, पुरानी किताबों में, मैगजीनों में उसके प्रमाण भरे पड़े हैं। तो हम किसी भी व्यक्ति का जब मूल्यांकन करते हैं ना, उसके एक पक्ष को लेकर करते हैं। मूल्यांकन करना है तो उसके सारे पक्षों का कीजिए ना, और कोई पक्ष किसी का भी दुर्बल हो सकता है, कोई पक्ष प्रबल भी हो सकता है। उस महिला का एक जो त्याग वाला पक्ष है वो बड़ा प्रबल है। उस महिला के एक महिला होकर के बिना शादी किए अपने आप को समाज के लिए समर्पित कर देना, और तुम जब उल्टी सीधे बातें करते हो तो मुझे एक बात याद आती है कि मैं जब ऑफिस में था तो मेरे सीट के साथ में जो सीट थी वो एक बहुत बूढ़ी औरत की थी, हम तो बहुत छोटी उम्र के थे। तो एक दिन उसका बेटा आया उसको मिलने, चपरासी ने आके बताया कि भाई गेट पर आपका, कह रहा है बेटा ये मेरा नाम है, कल मैं जाती हूँ। तो वो गए और वो जब आए आकर अपनी सीट पर तो मेरे से बोलिए भाई शांत, पहले हमारा नाम शांति सिर्फ शांत था, कि एक आज अपने मन की बात बताऊं, क्योंकि तुम लड़ते हो महिलाओं के लिए भी लड़ते हो इसलिए आपको बता रही हूँ। कहने का औरत के प्रति लोगों का ये नज़रिया है कि वो गेट पर जो मेरा बेटा मुझसे मिलने आया ना, लोग मुझे इस तरीके से देख रहे थे जैसे कि मेरा कोई प्रेमी आया हो। तो महिला के संबंध में सोचने से पहले तुम ये सोचो कि हम अपने परिवार में से इस तरीके की महिला क्या कोई दे पाए, नहीं दे पाए, बड़ा मुश्किल है साहब। शादी ना करना और अपना सारा जीवन आंदोलन में ही लगाना और लिखने पढ़ने में लगाना बहुत बड़ा काम है। आज एक बात तो ज़रूर है कि हमें आज निरीक्षण परीक्षण करने का समय निकालना पड़ेगा। बहुत सारे लोग मजाक में कहने लगे भाई बीएसपी का मतलब यह है बाहर खिसकाओ पार्टी, अपने वर्करों को बाहर धक्का दे के खिसकाओ भगाओ, अंदर लाने की हमें क्षमता नहीं, अंदर लाना किसी को अपने साथ जोड़ना बड़ा मुश्किल काम होता है। हाँ, जो जुड़े हैं उनको भगाते रहो, हम तो बहुत दिनों से देख रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश के ढोंगी सरकार में ज़्यादातर मंत्री वो हैं जो पहले बीएसपी के सदस्य थे, मेंबर थे, और जब वो यहाँ से निकाले गए तो आज उनकी सत्ता के गलियारे में पहुंच करके उनकी सत्ता का अंग बन गए हैं। हमें कोई भी एक्शन लेते हुए दूरदृष्टिपूर्ण एक्शन लेना चाहिए। आज आप ये देख लीजिए कि बहन मायावती की कमियां निकालने वालों से मेरा एक निवेदन है, कमियां निकालो, अच्छी बात है, उसको समीक्षा करना कहते हैं, आलोचना समालोचना करना कहते हैं, मगर उसका मतलब आंदोलन को तोड़ना नहीं है। आज हम स्वार्थ लेकर जब आते हैं, मान सम्मान का और कुछ भी ना मिले तो मान सम्मान ही मिल जाए, मान सम्मान पर ही पार्टी तोड़ देते हैं, मान सम्मान पर ही संगठन तोड़ देते हैं। ये प्रथा थमनी चाहिए और एक त्याग का और पराक्रम का परिचय देके अपनी विचारधारा को मजबूत करने के लिए एक सिपाही जैसी भूमिका निभानी चाहिए, उसके प्रचारक की भूमिका निभानी चाहिए। समय के साथ
थपेड़े आते हैं, अनुकूल भी आते हैं, प्रतिकूल भी आते हैं। अनाड़ी वो होते हैं जो अनुकूल हो गया तो अकड़ के मारे गुप्पा हो जाते हैं, और अगर प्रतिकूल हो गया, कुछ उल्टा हो गया, तो घुल घुल के मर जाते हैं। ये दोनों चीज़ें विपरीत है। बुद्ध कहते हैं हमें दोनों स्थिति में समता भाव बना के रखना है। कहाँ रखना है? अरे जब आप षड्यंत्रकारियों के बीच में घिरे हैं तो वहाँ पर भी जा काम तो EVM कर रही है और लड़ रहे हो आप आपस में बीच में। तो आज अपने बात को समाप्त करते हुए मैं ये कहना चाहूँगा कि भैया चावल जितना पुराना होता है ना उतना ही मूल्यवान होता है। ये नए लड़के अभी संगठन चलाना सीखें। हमें किसी लड़कों से नफरत नहीं है, हमें बुज़ुर्गों की भी सेवा लेनी चाहिए, उनको भी तटस्थ नहीं करना चाहिए। आज न मालूम कितनी प्रतिभाएं हैं जो पुराने लोगों में मैं देखता हूं। अगर वो ईमानदारी से अडवाणी की तरह हमारे साथ जुट जाएं, हमारे आंदोलन में जुट जाएं और अपनी मैं अहंकार की भाषा छोड़ दें, तो यही पार्टी जिसने उत्तर प्रदेश में चार चार बार शासन किया है, इसको पार्लियामेंट तक आने में कोई रोक नहीं सकता। इसको अगर कोई रोके हुए हैं तो हम रोके हुए हैं। हम जरा सी कोई गर्म हवा चली तो एकदम से परेशान हो जाते हैं, जरा सी कोई ठंडी हवा चली तो उससे प्रभावित हो जाते हैं। हमें वातावरण से प्रभावित नहीं होना है, अपने पराक्रम से, अपने त्याग से, अपने प्रतिबद्धता से हमें वातावरण को अपने अनुकूल बनाना है। उस काम के लिए हमें चिंतित रहना है। धन्यवाद। कहते हैं गिरते से शवारे मैदाने जंग में वो क्या खाक गिरेंगे जो घुटनों के बल चलते हैं। तो बहुजन समाज का एक बहुत बड़ा आंदोलन है, उसको समझना पड़ेगा। उसकी लड़ाई सैकड़ों सालों से चलती हुई आ रही है और उसको समझने के लिए हमें अनुभवी लोगों की वाकई में बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगी, जो बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती हैं। साहब ने ऐसा कहा, हमारे चैनल से आपने बात करी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।